हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2019 में होने वाली सहायक शिक्षक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम मार्च 2018 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इससे पहले के वीडियोज देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की ये सीरीज सहायक शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क की शुरुआत कहां की गई है। तो इसका सही आंसर है सतारा। महाराष्ट्र का जो पहला मेगा फूड पार्क है उसकी जो शुरुआत है वो सतारा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसराइल के प्रधानमंत्री जो वर्ष 2018 में भारत की यात्रा पर आए हैं, तो इनका सही जो आंसर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल के प्रधानमंत्री जो वर्ष 2018 में भारत की यात्रा पर आए, तो इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े सौर पार्क शक्ति स्थल की स्थापना कहां की गई है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है इसका नाम है शक्ति स्थल, तो इसकी जो स्थापना है ये कहां की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है ये मनाया जाता है 3 मार्च को। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में उदय योजना की शुरुआत की गई है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उदय योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहां पे मैं लक्षद्वीप की आपको राजधानी बताना चाहूंगा। लक्षद्वीप जो है इसकी राजधानी का नाम है कवारत्ती। जितनी भी राजधानियां हैं वो आप लोग जो है वो जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अजलान शाह हॉकी चैंपियनशिप 2018 का आयोजन कहां किया गया। तो उसका सही आंसर है मलेशिया। अजलान शाह जो हॉकी चैंपियनशिप 2018 है इसका जो आयोजन है वो मलेशिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए किस राज्य में अमा गांव अमा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। याद रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ओडिशा में अमा गांव अमा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ओडिशा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2018 में पहली बार किस देश में महिला मैराथन का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। मार्च 2018 में सऊदी अरब में पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा कुमारी किस देश में सांसद बनने वाली पहली हिंदू महिला हैं। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। कृष्णा कुमारी जो हैं यह पाकिस्तान में सांसद बनने वाली पहली हिंदू महिला हैं। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान। ठीक है ना। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो जो है ये आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जो है वो जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर है द शेप ऑफ वाटर। ऑस्कर पुरस्कार 2018 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तो उसका जो पुरस्कार है वो दिया गया है द शेप ऑफ वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में विद्यालय जाने वाली लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए खुशी योजना की शुरुआत की गई है। तो सही आंसर है ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि किस राज्य के विद्यालय जाने वाली किस राज्य में विद्यालय जाने वाली लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए खुशी योजना की शुरुआत की गई है। सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी का नाम मैंने भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास मिलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार। याद रखेंगे कि सैन्य अभ्यास मिलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है अंडमान निकोबार में और अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर और भारत का जो भारत में जो ज्वालामुखी पर्वत स्थित है बैरन नाम है उसका, तो याद रखेंगे कि वो अंडमान निकोबार में ही स्थित है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई है। तो भारत की जो पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा है इसकी जो शुरुआत है ये की गई है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति का क्या नाम है। तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार विश्व के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं वर्ष 2018 में उनका नाम है जेफ बेजोस और ये अमेजन के सीईओ हैं। याद रखेंगे कि अमेजन जो है कंपनी ये उसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वर्ष 2018 में भारत के सबसे धनी व्यक्ति का क्या नाम है। तो सही आंसर है मुकेश अंबानी। वर्ष 2018 में जो भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये मनाया जाता है 8 मार्च को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीजर पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पृथ्वीजर पुरस्कार 2018 जो है ये प्रदान किया गया है बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है। तो सही आंसर है इसका दमन एवं दीव। सौर ऊर्जा के उत्पादन में दमन एवं दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है ये देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी शक्ति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिएगा इसको जरूर। तो जो नारी शक्ति पुरस्कार 2018 है ये प्रदान किया गया है गीता मित्तल को। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में उबर इंडिया ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो सही आंसर है विराट कोहली। वर्ष 2018 में उबर इंडिया जो है इसने अपना जो पहला ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया है विराट कोहली को। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अजलान शाह हॉकी चैंपियनशिप 2018 का विजेता कौन सा देश है। तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे कि अजलान शाह हॉकी चैंपियनशिप 2018 का जो विजेता है वो है ऑस्ट्रेलिया और जो ये टूर्नामेंट है ये जो चैंपियनशिप है अजलान शाह हॉकी चैंपियनशिप 2018 इसका जो आयोजन है वो किया गया है कहाँ, मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है कि अपने राजकीय ध्वज का अनावरण करने वाला देश का दूसरा राज्य है। तो सही आंसर है कर्नाटक। अपने राजकीय ध्वज का अनावरण करने वाला जो देश का दूसरा राज्य है वो है कर्नाटक। पहला राज्य कौन सा है अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास माइल्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। सही आंसर है इसका अंडमान निकोबार। मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास माइल्स 2018 का जो आयोजन है ये किया गया है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। तो सही आंसर है 133। हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत 133वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो सही आंसर है इसका फिनलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में पहले स्थान पर है फिनलैंड और फिनलैंड की राजधानी का नाम है हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मार्च 2018 में बेलारूस में भारत की नई राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो मार्च 2018 में जो बेलारूस में भारत की नई राजदूत हैं ये नियुक्त किया गया है संगीता बहादुर को। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2018 में किस देश की क्रिकेट टीम को आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे टीम घोषित कर दिया है। तो सही आंसर है नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मार्च 2018 में किस देश की क्रिकेट टीम को आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे टीम घोषित कर दिया है। तो सही आंसर है नेपाल। फ्रेंड अगर हम लोग बात करें नेपाल की राजधानी की तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है केपी ओली। आईसीसी की अगर बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस है ये मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका सही आंसर है अतुल गोत्सुर्व को। दक्षिण कोरिया में जो भारत के नए राजदूत हैं तो वो नियुक्त किए गए हैं अतुल गोत्सुर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसराइल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 की विजेता हैं। तो इसके जो विजेता हैं वो है पूर्वा बर्वे। याद रखेंगे कि इसराइल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 की जो विजेता हैं वो है पूर्वा बर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कटहल को राजकीय फल घोषित किया है। तो सही आंसर है इसका केरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कटहल को जो है वो राजकीय फल घोषित किया है। तो सही इसका आंसर है केरल, और केरल की जो राजधानी है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 मार्च को। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मगही भाषा को किस राज्य ने मार्च 2018 में राजकीय भाषा घोषित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि मगही भाषा को जो है किस राज्य ने मार्च 2018 में राजकीय भाषा घोषित किया है। तो सही आंसर इसका झारखंड। और झारखंड की अगर हम लोग बात करें राजधानी की, तो झारखंड की जो राजधानी है उसका नाम है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रखेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है जॉन बोल्टन को। मार्च 2018 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो नियुक्त किए गए हैं जॉन बोल्टन। अगर हम लोग बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है उसका नाम है वाशिंगटन डीसी, और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के उनका नाम है माइक पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोडाफोन आइडिया के पहले सीईओ हैं। तो सही आंसर है बालेश शर्मा। वोडाफोन आइडिया के जो पहले सीईओ हैं वो हैं बालेश शर्मा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में महिला राजदूत नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश है। सही आंसर है बेल्जियम। सऊदी अरब में महिला राजदूत नियुक्त करने वाला विश्व का जो पहला देश है वो है बेल्जियम। बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नाम है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में किस देश ने समुद्री मार्ग से हज यात्रा करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो सही आंसर है इसका भारत। वर्ष 2018 में समुद्री मार्ग से हज यात्रा करने को मंजूरी प्रदान करने वाला जो देश है वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिलाओं द्वारा संचालित उपनगरीय रेलवे स्टेशन है। तो सही इसका आंसर है माटुंगा। याद रखें कि भारत का पहला महिलाओं द्वारा जो संचालित उपनगरीय रेलवे स्टेशन है उसका नाम है माटुंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में यूनेस्को से बाहर होने वाला देश है। सही आंसर है इसराइल। कौन सा ऐसा देश है जिसने वर्ष 2018 में यूनेस्को की सदस्यता जो है उसको छोड़ दिया है। तो उसका जो सही आंसर है वो है इसराइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे कि वर्ष 2018 में यूनेस्को से कौन सा देश जो है वो बाहर हो गया। सही आंसर है इसराइल। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको पता है कि इसराइल की राजधानी का नाम क्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वर्ष 2018 में यूनेस्को से जो बाहर होने वाला देश है वो है इसराइल, तो इसराइल की जो राजधानी है उसका नाम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत आसियान कृषि सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत आसियान कृषि सम्मेलन 2018 का आयोजन जो है ये किया गया है नई दिल्ली में। अगर बात करें आसियान की, तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2018 का आयोजन किस देश में किया गया। सही आंसर है दक्षिण कोरिया। शीतकालीन ओलंपिक जो 2018 है इसका आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में, और दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले विश्व के सबसे युवा क्रिकेटर हैं। सही आंसर है एलेस्टर कुक। टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले जो विश्व के सबसे युवा क्रिकेटर हैं उनका नाम है एलेस्टर कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है इसका नीलम कपूर। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का जो निदेशक है वो नियुक्त किया गया है नीलम कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग का जो सीईओ है ये नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की नई राष्ट्रपति हैं, तो सही आंसर है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के जो नई राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, तो सही आंसर है केपी ओली। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है केपी ओली, खड़गा प्रसाद ओली इनका जो है वो पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया गया, तो सही आंसर है इसका दुधवा नेशनल पार्क। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो है ये वर्ष 2018 में दुधवा नेशनल पार्क में आयोजित किया गया। और फ्रेंड्स जो ये दुधवा नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 में महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है, तो इसका सही आंसर है गांधीनगर। अभी पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि वर्ष 2018 में महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला पहला उपनगरीय रेलवे स्टेशन कौन है, तो वो है माटुंगा। और जबकि ये जो स्टेशन है ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है, यानी कि ये लोकल जो रेलवे है उसका स्टेशन नहीं है, ये इंडियन जो रेलवे है उसका स्टेशन है। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका सही आंसर है गांधीनगर। याद रखेंगे कि वर्ष 2018 में महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का जो पहला रेलवे स्टेशन है उसका नाम है गांधीनगर। और ये स्थित है कहाँ, तो याद रखेंगे कि ये जो गांधीनगर है ये स्थित है राजस्थान में, ठीक है ना। ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी नहीं है, ये जो गांधीनगर है ये जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर उसका एक स्टेशन है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, देखते रहिए RG स्मार्ट क्लास।